दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करने का एकदम गजब तरीका बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप इस तरह से पैसा कमा सकते हो। आप अगर बहुत इजी तरीका ढूंढने को जाओगे तो आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, बट आपको पैसा नहीं मिल सकता है। इसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है, बट आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने इस तरीके पर काम करते हैं तो मैं आपको गारंटेड के साथ बताने वाला हूँ, आप जो कि 4 पेज अगर बना लेते हैं तो उनमें से 2 पेजों से आप गारंटेड आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि आपको फेसबुक पेज पर आपको किस तरह का वीडियो अपलोड करना है। तो आज के इस वीडियो में 4 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। उनमें से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको वीडियो कहाँ से कलेक्ट करना है। फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको वीडियो कैसे एडिटिंग करना है ताकि आपके वीडियो पर कोई कॉपीराइट वगैरह ना आए। फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है ताकि आपका वीडियो वायरल हो। फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप जो वीडियो अपलोड करोगे उस टाइम आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है ताकि आप भी फेसबुक पेज से पैसा कमा सको। तो आज ये 4 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो जबरदस्त होने वाला है, अगर आपने इस वीडियो को देखते हैं तो गारंटेड के साथ आप जो कि फेसबुक पेज से पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको वीडियो कहाँ से कलेक्ट करना है और आपको किस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको वीडियो कैसे कलेक्ट करना है। वीडियो कलेक्ट करने के लिए आपको गूगल का यूज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है ट्रांसलेट, या फिर आपके पास अगर अलग एप्लीकेशन है तो आप वहीं से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लैंग्वेज डालना है, जो भी लैंग्वेज है, बंगाल, अंग्रेजी, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको डालना है। हिंदी मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर जो मतलब जो ट्रांसलेट चाहते हैं हम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चीनी परंपरागत, इस पर आपको क्लिक करना है। चाइनीज जो लैंग्वेज है, अब आपको करने का है यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मशीन तैयार। यहाँ पर आपको सर्च करना है मशीन तैयार, क्योंकि हमें चाइनीज भाषा नहीं आता है बट हम चाइनीज लैंग्वेज को यूज करेंगे और इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको करने का है यहाँ पर देखेंगे मशीन तैयार और नीचे में यहाँ पर आ गया, तो आपको करने का है इस चीज़ को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सबसे पहला आपका काम बनेगा, आपको आना है यूट्यूब पर। अब यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ज़्यादातर सर्च करते हैं बंगाली में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, बट यहाँ पर हमें सर्च करना है जो चीज़ मैंने ट्रांसलेट किया वो चाइनीज भाषा को यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखो जितने सारे मशीन का वीडियोज़ है यहाँ पर आना शुरू हो गया है ना, तो आपको करने का है यहाँ पर आपको 3 डॉट में क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च फिल्टर में आना है और यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 18 मिनट का वीडियो है और यहाँ पर क्या है, ये जो टाइटल यहाँ पर दिया गया है ये चाइनीज टाइटल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा गया है, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ को अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आप काम कर सकते हैं और आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। आपको करने का है यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है, शेयर में क्लिक करना है और इसका लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे उसके बाद आपको पूरा कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो वाई टूल नाम का एक एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टैग्स का ऑप्शन जो देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपके सामने एक एड्स होगा, इसे आपको कट कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर एक सर्च बार आ जाता है, इंटर योर वीडियो लिंक, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर गो में क्लिक कर देना है। आप गो में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखो कॉपी टाइटल, कॉपी डिस्क्रिप्शन, थंबनेल डाउनलोड, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, टाइटल को कॉपी करना है। टाइटल को मैंने कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें आना है फेसबुक पर। कहाँ आना है, फेसबुक पर आना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर फेसबुक को ओपन करता हूँ। अब फेसबुक पर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है इस टाइटल का,
हमें यहाँ पर सर्च बार में आना है और यहाँ पर इसे हमें पेस्ट कर देना है। और हमें ये चीज़ देखना है कि ये वीडियो ऑलरेडी पहले से फेसबुक पर है कि नहीं, ये चीज़ हमें जांच करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये वीडियो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, उस तरह का वीडियो यहाँ पर देंगे कितने सारे अपलोड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कितना व्यूज़ आए हैं, 3,24,000 व्यूज़ आके रखे हैं। यहाँ पर देंगे कितने सारे व्यूज़ आके रखे हैं। तो आपको करने का है इसी मशीन को यूज़ करना है, आपको देखना है इस वीडियो को कि वो वीडियो और ये वीडियो सेम है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पर देख लेते कि ये वीडियो सेम नहीं है तो अब आपका काम आता है शुरू। अब आपको करने का है जैसे कि मैंने आपको कॉपी लिंक करने के लिए बोला था, तो ये तो आपने टाइटल यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर टाइटल में क्या चीज़ लिखा गया है आप थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो तो चाइनीज भाषा को आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको करने का इसे स्वाइप करना है और यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट और इसे हम क्या कर देते हैं हिंदी। यहाँ पर देखो क्या है, CNC की बुनियादी सिक्का के जाने करोड़ों डॉलर वाले जर्मन बीस्ट लेबल CNC का बक्स खोले, कुछ इस तरीके से जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमें नहीं चाहिए, बट हमें क्या चाहिए इस तरह का वीडियो को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको करने का है उस वीडियो में जाना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं, लिंक को कॉपी कर लेते हैं, वीडियो लिंक कॉपी कर लिया। अब ऑय टू मेट से या फिर आप स्नैपच्यूट से, अब कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से आपको यहां से वीडियो उठाना है। जैसे कि मैं आपको क्रिएटिव कॉमन वाला दिखाया, इसका मतलब यही होता है कि आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। तो आपको यहां से सारे वीडियो को कलेक्ट करना है एक एक करके, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो है, आप जितना वीडियो देखना चाहोगे आपको मिल जाएगा। देखो यहां पर कितने सारे वीडियोज आपको मिल जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मशीन का वीडियोज है। आपको करने का है इस वीडियो को आपको यूज करना है, वो भी चाइनीज लैंग्वेज को यूज करके हमें जो कि कॉपी पेस्ट करना है और हमें फेसबुक से पैसा कमाना है। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आसान तरीका ढूंढने जाओगे तो आपको पैसा शायद नहीं मिल सके, शायद आपको ना मिले, बट आप मेहनत कर लोगे। लेकिन आपको पैसा मिलने का कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, व्यूज भी भर भर के आता है। तो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ से वीडियो कलेक्ट करना होता है। आपने तो वीडियो कलेक्ट कर लिया, बट आपको अब समझना ये पड़ेगा कि आपको अपना वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है। अगर आपने अच्छे से एडिटिंग नहीं करोगे तो आपका वीडियो ब्लॉक हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से परफेक्ट तरीके से आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं काइनमास्टर को यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू में क्लिक करना है। जैसे कि हम फेसबुक के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपको फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर रेशियो सिलेक्ट करना है 1:1, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ पर 4:5 वाला रेशियो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1:1 वाला रेशियो। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड इमेज लेना है, इमेज एसेट में आना है। इमेज एसेट में आने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी तरह का आपको एक बैकग्राउंड इमेज लेना है। यहाँ पर आपको वाइट, ब्लैक एंड वाइट वाला लेते हैं, तो वही सबसे बेटर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड, तो यही मैंने बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अब हमें करना क्या है, ये जो बैकग्राउंड है इसे हमें पूरा कुछ इस तरीके से, जितना बड़ा वीडियो है उस हिसाब से हमें करना क्या है, इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद सबसे पहला काम बनेगा, यहाँ पर देखो ऊपर में कुछ ब्लैक नज़र ज़्यादा आ रहा है, नीचे में कुछ ब्लैक है, आप चाहे तो पूरा ब्लैक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना क्या है, इसको आपको पैन एंड जूम में क्लिक करके इसे फुल कर देना है और यहाँ पर इसे क्लोन कर देना है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना जो वीडियो है जो आपने डाउनलोड किए हैं उस वीडियो को आपको लेयर में जाना है और मीडिया में जाके आपको अपना वीडियो को ले लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चाइनीज़ वीडियो को ले लिया है, जो मतलब मशीन वाला वीडियोज़ है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि इस वीडियो में कोई इंट्रो वगैरह है तो नहीं। तो यहाँ पर देखो एक इंट्रो है, चाइनीज़ इंट्रो, तो हम इसे यहाँ पर कट कर देते हैं। इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद इसे हम पूरा पहले लेके आएंगे। अब पहले ले आने के बाद यहाँ पर देखो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे पहला हमारा काम होगा इस पर क्लिक करो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे बड़ा करो, नीचे में हो या फिर ऊपर में हो या फिर आप दोनों जगह में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले आप एक काम कर लो, यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से आपको जो कि यहाँ पर क्रॉपिंग कर लेना है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से यहाँ से क्रॉपिंग कर लो। क्रॉपिंग कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से इसे एडजस्ट कर दो। अब एडजस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखो
इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर में ब्लैक है, नीचे में ब्लैक है, वो चीज़ हम बाद में करेंगे, बट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, मतलब जो कि इम्प्लीमेंट करना है। इस वीडियो लेयर में क्लिक करो, इस वीडियो में चाइनीज़ का एक लैंग्वेज है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। तो यहाँ पर देखा चाइनीज लैंग्वेज है, सबसे पहले हमें इस लैंग्वेज को हटाना पड़ेगा। इस लैंग्वेज को हटाने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर देने के बाद आपको मिक्सर में आना है और इसे जो कि यहाँ पर हमें म्यूट कर देना है। अब म्यूट कर देने के बाद आपको यहाँ पर देखो नीचे में कहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखो क्या है इस जगह में, इस जगह में क्या है, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना है, हमें क्या क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमें लेयर में आना है, उसके बाद हमें टेक्स्ट में आना है, जो भी आपका पेज का नेम है, जो भी आपका पेज का नेम होगा वो पेज आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मेरा नाम, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना पेज का नाम लिख लिया। अब लिख लेने के बाद आपको बैकग्राउंड में आना है, बैकग्राउंड में आओ, यहाँ पर इनेबल करो, उसके बाद आपको पूरा फुल विदाउट विद इट बैकग्राउंड इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो बैकग्राउंड कलर है इस पर आना है, जो भी कलर है वहाँ पर उस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अच्छे से इसे सजावट कर लेना है। देखो कुछ इस तरीके से जो है कि एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया और चाइनीज लैंग्वेज वहाँ पर ऐड भी, मतलब जो कि ढक भी गया, वो दिख भी नहीं रहा, और ठीक ना। तो आपको करने का है कुछ इस तरह से इसे यहाँ पर इसे एडजस्ट करना है, इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको करने क्या होगा, यहाँ पर ये तो वीडियो चालू हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर ये रहा मशीन वाला वीडियो, आपको इस तरीके से आपको वीडियो को एडिट करना है। फिर आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है इसमें आप अगर कोई भी म्यूजिक या फिर कुछ भी ऐड नहीं करते हो तो ये वीडियो जो कि एकदम बोरिंग सा लगेगा। तो आपको करने क्या है, आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करना है। इसके लिए आप यहीं से भी कुछ म्यूजिक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टोर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारा जगह है, जैसे कि YouTube का लाइब्रेरी है जहाँ से आप फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। उस हिसाब से डाउनलोड करना जिस हिसाब से वीडियोस हैं, जैसे कि ये मशीन वाला वीडियोस है, फैक्ट्री में कुछ हो रहे हैं, तो उस तरह का आपको म्यूजिक आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं किसी भी तरह का एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर नीचे में रेंडल वेट विट वेट इट यहाँ पर ऐड हो गया। ये जो आपने लिए हैं इसको आपको करना क्या है, चलो इस पर मैंने क्लिक करता हूँ, सॉरी ये तो नहीं होगा, यहाँ पर टेक्स्ट को आपको फुल कर देना है जितना बड़ा आपका वीडियो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को आप थोड़ा सा प्ले करके देखो। उससे पहले आप यहाँ पर देखो ऊपर में कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो ऊपर में और नीचे में दोनों जगह में ब्लैक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको लेयर में क्लिक करना है, टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है जो भी जिस तरह का मशीन काम कर रहा है, जो भी है। जैसे कि यहाँ पर ट्रेलर मशीन में ज़्यादातर काम हो रहा है, ट्रेलर, जस्ट मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ट्रेलर। अब यहाँ पर इसे लिखने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे, जैसे कि यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, आप चाहे तो ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इसका लाइन को आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लाइन को बड़ा या ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन को वही रखने देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो कलर है इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, कलर में जाओ, यहाँ पर पीला कलर भी ले लो या फिर जो भी कलर आप लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नीचे में भी कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें ऐड कर देना है, तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसी चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पर जो कि वीडियो ज़बरदस्त बन गया, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाना चाहूँगा, उससे पहले इस टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से टी शर्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो कि
ये मशीन वाला वीडियो या फिर आपको फैक्ट्री रिलेटेड वीडियो आपको एडिटिंग करना है। एडिटिंग करना बहुत ईजी है, आपको यहाँ पर और कुछ भी ऐड नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको अपलोड कर देना है। अब थोड़ा सा अगर चाहते हो कि नहीं इसका हम कलर करेक्शन करेंगे, तो आप एडजस्ट में आओ, यहाँ पर ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करो, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दो ताकि वीडियो और भी कलरफुल लगे, दिखने में अच्छा लगे। आप कलर ग्रेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो ये कलर और भी ज़बरदस्त हो गया। तो ये कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, और जो भी क्वालिटी है आपके पास उस हिसाब से अपना क्वालिटी ले लो, और क्वालिटी लेने के बाद आपको इसे एक्सपोर्ट कंप्लीट कर देना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप जब वीडियो अपलोड करते जाओगे उस टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका वीडियो वायरल हो। अब आपका वीडियो वायरल कब होगा, जब आप ये सारे चीज़ आप मानेंगे तब आपका वीडियो वायरल होगा। तो आपको करना क्या है, जब आप अपना वीडियो को अपलोड करते जाते हो उस टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ये क्या है, जैसे कि आप अगर इस तरह का वीडियो पर काम करते हैं, कॉपी पेस्ट वीडियो पर, मतलब आप खुद का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, मतलब किसी जगह से उठाएंगे और अपना वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करोगे, तो उस टाइम आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको एक पेज पर काम नहीं करना है। अगर आपने एक पेज पर काम करते हो तो आपका एक पेज में वीडियो ब्लॉक हो जाएगा और आप जो पैसा नहीं कमा सकते। तो कम से कम आपको दो आईडी से आपको 7 से 8 पेज बना लेना है। अब 7 से 8 पेज जब बना लोगे तो उनमें से मान लेते हैं 4 से 5 पेज बेकार हो गया, उसमें मतलब जो कि ब्लॉक हो गया, बेकार हो गया, आपका वीडियो चल नहीं रहा है, व्यूज भी नहीं आ रहे। तो इनमें से 8 पेज में से अगर 2 पेज निकल जाए, 2 पेज अगर ग्रो कर जाए, तो यहाँ से आप हजारों डॉलर निकाल सकते हैं। तो ये रहा पहला तरीका, जब आप कॉपी पेस्ट करने को जाओगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो चीज़ है, आपको वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर का बहुत ज़्यादा दम होता है। तो आपको करना क्या है, फेसबुक पर आना है या फिर आपको शेयरिंग सेटअप बनाना है। ये शेयरिंग सेटअप का मतलब यही होता है, आपको 7 से 8 आईडी क्रिएट करना है और इससे जो कि हर एक आईडी से जो कि आपका वीडियो को शेयर करना है। अब शेयर से क्या होता है, अगर आपके मतलब जो कि अकाउंट पर मान लेते 500 फ्रेंड है, तो 500 फ्रेंड करके अगर 3-4 अपने आईडी बना लेते हैं, 7-8 आईडी बना लेते हैं, तो 4000 लोगों के सामने आपका वीडियो जाएगा। अब जब 4000 लोगों के सामने आपका वीडियो जाएगा, तो उनमें से आप मान लेते हैं आधा लोगों ने क्लिक किया, आधा लोगों ने क्लिक नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आपका 2000 के आसपास व्यूज आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने शेयरिंग सेटअप बनाते हैं, अपना वीडियो को सही जगह शेयर करते हैं, अपना प्रोफाइल से शेयर करते हैं, तो आपका व्यूज आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इससे आपका व्यूज आता है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शेयरिंग सेटअप में एक्चुअली जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक जो है कि फेसबुक का बोलो या फिर क्रोम का बोलो, हर एक का जो है कि क्लोन किया जाता है, मतलब जो कि बहुत सारा मल्टीपल जो है कि अकाउंट बनाया जाता है, इस तरीके से शेयर किया जाता है, और इस तरीके से शेयर किया जाता है और अपने मतलब रिलेटेड ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो आपको फेसबुक पर आना है, आपको सर्च करना है आपका रिलेटेड ग्रुप, जैसे कि ये मशीन वाला है तो मशीन रिलेटेड आपको ग्रुप सर्च करना है, और आपको जिसमें आपको कम फॉलोअर्स मिले वही सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम बड़े ग्रुप में ज्वाइन होना है, बड़े ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको ज्वाइन करता नहीं है ठीक से। तो आपको कुछ इस तरह से अपना वीडियो पर व्यूज बढ़ाना है, कुछ इस तरीके से काम करो, देखो आपको वीडियो पर भी व्यूज आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि आपको किस तरह से फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाना है, वो भी ये तरीका एकदम गजब तरीका है। अगर आपने इस तरीके पर काम करते हैं तो आपके वीडियो पर व्यूज जबरदस्त आएगा, और आता भी है इस तरह का वीडियो पर व्यूज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, वीडियो टॉपिक अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का कॉन्टेंट अपलोड होते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।